हेलो गाइस, राम राम। आप सबका मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज है शुक्रवार और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम के 7 बजे। और अब करते हैं कपड़ों की पैकिंग शुरू। ये भी ले जाऊँ मैं घर? कोट पैंट ले आना मेरा एक। ये रख लेती हूँ ब्लू वाला सूट ना, यहाँ पे ब्लू रखता है वो रख ब्लू रखना है। ये बेचारा मैंने इतनी मेहनत से सिलवाया था ना, उन्होंने पहनना ही नहीं यार। तो मेरे पति कहीं घुमाने नहीं लेके गया मुझे। बाइक में सूट कैसे ले जाऊँ फिर? तो बेबी बाइक की बात नहीं होती, गाड़ी भी ले सकते हैं हम। गाड़ी मतलब टैक्सी में भी जा सकते हैं। ये मैंने सूट करा ट्राई, ये सूट मेरे पे कितना अच्छा लग रहा है और इसमें मैं पतली भी लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। और अब हम तैयार होके निकल पड़े हैं अपने घर की, और मैं, पति देव और भैया। ये है नालागढ़ और बद्दे की सड़कें गाइस। देखो यहाँ पे भी काम जोरों शोरों से चला हुआ है 4 लेन का। घर पहुँचने में भी लगेगा काफ़ी वक्त, रात भी हो गई है। और अब हम पहुँच गए कीर्तपुर मनाली 4 लेन पे। 4 लेन बनने की वजह से घर का जो सफ़र है जो उसमें काफ़ी फ़र्क आया। मतलब कि पहले तो हमें 6-7 घंटे लगते थे घर जाने के लिए, अब हम वही सफ़र 4 घंटों में, 4-4.5 घंटों में पूरा कर लेते हैं। आगे पहुंचे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है ट्रकों का। और अब ना आने वाली है आगे टनल। ये आगे बैठे हैं भैया और ये दूसरे वाले भैया, राकू भैया और लक्की भैया। और इधर हूँ मैं और पतिदेव देख रहे हैं ट्रकों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। ये भी सोच रहे थे कि यहाँ लग जाएगा हमें बहुत ज़्यादा टाइम, और अचानक इनकी नज़र पड़ी मेरे पे और मैं ब्लॉग बना रही थी। और आगे भैया भी बना रहे थे अपने इंस्टाग्राम पे डालने के लिए पोस्ट पे वीडियो बना रहे थे, और मैं भी यहाँ पीछे से वीडियो बना रही थी। बस आने वाली है टनल टनल टनल, जिसका मुझे था बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि मैंने ये टनल जब भी देखी है बाहर से देखी, आज मैं पहली बार इसमें ट्रैवल करने वाली हूँ। और फाइनली वेट हुआ ख़त्म, अब पहुँच गए हम टनल के अंदर। टनल बहुत ही अंदर से खूबसूरत बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है। जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार है, उसने बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी खूबसूरत टनल हिमाचल को एक क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट के रूप में दी। गिफ्ट ही बोलेंगे ना। और अब हम पहुंच गए हैं ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक, यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर बाईपास होके कुमारवी से हम जाएंगे। ये देखो सामने है बिलासपुर शहर, कितना ही प्यारा लग रहा है। और बीच में है लेक। लेक अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि अभी है नाइट, तो इतना दिखाई नहीं देगी। बट लाइटों के बीच जो शहर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से घर पहुँचने के लिए लगेंगे 2 घंटे और रात भी काफ़ी हो चुकी है, 11:30 हो चुके हैं। और इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।